नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम रविंदर सिंह है और मैं बहादुरगढ़ शहर का रहने वाला हूँ। दोस्तों, ये एक छोटी सी वीडियो है जो थैंक्स गिविंग वीडियो होने वाली है और इसमें मैं एक अपना एक्सपीरियंस शेयर करना चाहता हूँ और शायद वो एक्सपीरियंस आपको कुछ हेल्प कर पाए। तो दोस्तों, बात कुछ यूँ है कि बचपन से मेरी एक ड्रीम बाइक थी, रॉयल एनफील्ड की बुलेट। तो दोस्तों, ऐसी ये बाइक जो है मेरी नहीं, बहुत से मेरे जैसे युवाओं की ड्रीम बाइक हो है और होगी, बट हर एक कोई अपना ये सपना पूरा नहीं कर पाता है क्योंकि ये काफ़ी एक्सपेंसिव बाइक है, काफ़ी महंगी बाइक है। तो दोस्तों, मैं भी ये बाइक काफ़ी टाइम से जो है मैं इसका ओनर बनना चाहता था, बट मेरी सैलरी अलाउ नहीं करती थी मुझे इस बाइक के लिए। तो जो बाइक थी बुलेट, उसका ऑन रोड प्राइस था 1,46,000। तो दोस्तों, ये मेरे लिए काफ़ी बड़ी रकम थी। तो मैं चला गया अपने बहादुरगढ़ ब्रांच में, इंडियन ओवरसीज़ बैंक में, और वहाँ के बर जाकर मैंने जो है मैनेजर से बात की और पूछा है कि मुझे क्या लोन मिल जाएगा बाइक के लिए। तो उन्होंने बोला हाँ बिल्कुल मिल जाएगा। तब मेरी खुशी का कोई ठिकाना नहीं था। तो उन्होंने सारी फॉर्मेलिटीज़ मेरे को बता दी कि क्या क्या चाहिए होगा। मैंने वो सब उनको डॉक्यूमेंट्स दे दिए। उन्होंने मेरा सीबिल वगैरह चेक किया और पूछा कौन सी बाइक चाहिए। तो मैंने बता दिया सब कुछ जो उन्हें मांगा, कुछ ज़्यादा नहीं मांगा, ना ज़्यादा डॉक्यूमेंट्स मांगे। उन्होंने मेरी सैलरी स्लिप और जो है आधार कार्ड, ड्राइविंग लाइसेंस मांगा था और मैंने वो ला के दे दिया था उन्हें। और मैंने सुबह अप्लाई किया और शाम तक मुझे जो है उन्होंने DD बनाकर दे दिया था। और मैं हैरान था कि सरकारी बैंक में मुझे जो है लोन मिल चुका है और मेरा सपना जो है पूरा होने वाला है। तो जब मेरे हाथ में DD आ गया शाम तक, तो मेरा सपना पूरा हो चुका था। मेरी बाइक मेरे पास आने वाली थी और नेक्स्ट दिन शोरूम में गया और मेरी बाइक मेरे पास थी। तो थैंक्स IOB, थैंक्स इंडियन ओवरसीज़ बैंक एंड थैंक्स मैनेजर साहब। तो थैंक्स अगेन इंडियन ओवरसीज़ बैंक और जय हिंद, वंदे मातरम।